हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डीवाई इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो ना देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 को ही नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज आप पहले उस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और वहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले इसको हम रीड करेंगे, देन समझेंगे हमें इसमें करना क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, पहले हमको इनके जो रेशियोज दिए गए हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इनको पहले हम कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद हम जो यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। देखिए, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इनके रेशियोज को, जो कि है A1/A2। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो A1 है वो 3 है, तो A1 हमारा 3 हो जाएगा और हमारा A2 क्या है, A2 हमारा 2 है। अब हम बात कर लेते हैं B1/B2 की। तो आप देख सकते हैं जो हमारा B2 है वो प्लस का 2 है और जो हमारा B1 है वो प्लस का 2 है, जो हमारा B2 है वो माइनस का 3 है। तो B1 हमारा हो जाएगा 2 और B2 हमारा हो जाएगा माइनस का 3। अब हम बात कर लेते हैं C1/C2 की। देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधा 5/7 को राइट कर देते हैं, जो कि गलत है। देखिए, हमने जो पढ़ा है, जो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टेंट जो रहता है C1/C2, तो ये हरदम रहता है लेफ्ट साइड में। जो हमारा कांस्टेंट रहता है वो हरदम लेफ्ट साइड में रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये कांस्टेंट 5 है और ये 7 है वो राइट साइड में है, तो इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 7। आई होप समझ में आया होगा क्या मैंने बताया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि हमारा जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस हो गए, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो लाइन्स होंगी हमारी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी लाइन्स होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। ये मैंने कंसिस्टेंट लिख दिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख दिया है, जो कि है 2x-3y = 8 और ये है 4x-6y = 9। अब यहां पर भी इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। A1/A2, जो हमारा A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 2 है और A2 क्या है हमारा, वो 4 है। अब बात करते हैं B1/B2 की। तो B1 हमारा क्या है, माइनस का 3 और B2 क्या है, माइनस का 6। अब बात करते हैं C1/C2 की। तो यहां पर भी हमको वही जो मैंने यहां पर जो अप्लाई किया है, जो चीज मैंने यहां पर अप्लाई की है, कांस्टेंट को जो मैंने लेफ्ट साइड लाया है, यहां पर भी हम कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 8 जो होगा माइनस का 8 हो जाएगा और जो 9 होगा ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 1 = 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और यहां पर जो इनके माइनस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल है, B1/B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस होगा, तो ये केस होगा थर्ड,
जिसमें हमारा a1 अपॉन ए टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमारी लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट, मैंने यहां पर लिख दिया इनकंसिस्टेंट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो आइए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हम पहले लिख लेते हैं, पहले कंपैरिजन कर लेंगे हम a1 अपॉन a2 का। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहां पर a1 है वो है 3/2 और जो हमारा a2 है वो है 9। अब आप देख रहे हैं यहां पर फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन है, तो यहां पर 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पर हम 1 मान लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और जो ये 1 है वो ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 और ये 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहां पर हमको जो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/6, 3 × 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं b1 अपॉन b2 की। तो यहां पर हमारा जो b1 है वो है 5/3 और जो हमारा b2 है वो है माइनस का 10। यहां पर भी फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन है, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर 1 मान लेंगे। यहां पर भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, ये 5/3 हो जाएगा और यहां पर 1 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये 10 जब नीचे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये था माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। तो यहां से 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो यहां से जो हमको वैल्यू मिल गई b1 अपॉन b2 की वो मिल गई 1/6। अब हम बात कर लेते हैं c1 अपॉन c2 की। तो यहां पर जो c1 है, उधर c1 जो हमारा है वो है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा और ये 14 को भी इधर लेकर आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 14। आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है हमारे b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा केस है, ये हमारा थर्ड केस है जहां पर जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट, यहां से हम लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट। अब आइए बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। यहां पे मैंने इसको राइट कर लिया है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2, तो हमारा a1 हो जाएगा 5 और a2 हो जाएगा माइनस का 10 और हमारा b1 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो b1 हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और b2 हो जाएगा प्लस का 6। अब बात कर लेते हैं c1 अपॉन c2 की, तो c1 हमारा हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा और ये माइनस का 22 है, अगर इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये प्लस का जो है 22 हो जाएगा। तो इसको राइट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि यहां पर 1 अपॉन माइनस का 2 है और यहां पर 1 अपॉन प्लस का 2 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये कौन सा केस है, ये देखिए यहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हमारी लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी और हमें इनकंसिस्टेंट लाइन मिलेंगी। तो यहां से लिख सकते हैं ये कंसिस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। अब आइए बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो यहां पर मैंने इसको राइट कर लिया है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारा a1 अपॉन a2 जो होगा वो हो जाएगा 4/3
a1 हो जाएगा और a2 हो जाएगा हमारा 2। यहां पर भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो यहां पर हम कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 4/3 इंटू 1 हमारा ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहां हमें मिल जाएगा 2/3। तो a1/a2 हमें 2/3 मिल गया। अब आइए बात कर लेते हैं b1/b2 की। तो b1 हमारा है 2 और हमारा जो b2 है वो क्या है, वो 3 है। c1 c2 की बात करते हैं, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये भी माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा a1/a2 है वो किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के भी इक्वल है। तो ये कौन सा केस है, ये हमारा केस है कोइंसिडेंट। यहां पर जो लाइंस होंगी हमारी कोइंसिडेंट होंगी और इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे और लाइन कोइंसिडेंट होंगी, सॉरी कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। तो यहां पर लिख देंगे कंसिस्टेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।